हेलो एवरीवन, इन टुडेज लेक्चर वी कैन डिस्कस अबाउट द हाफ एड्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग हाफ एड्रेस के बारे में बात करेंगे। हाफ एड्रेस में होता क्या है, ठीक है, और हाफ एड्रेस कहते किसको है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द हाफ एड्रेस, इसमें देखते हैं हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या है। द एड्रेस एड टू बाइंडेड इज इट एंड प्रोड्यूसेस टू बाइंडेड आउटपुट कॉल सम एंड कैरी। अगर आप जब हम हाफ एडर की बात करते हैं तो इसमें आप दो नंबर का जब भी आप एडिशन करोगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, एक सम मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। यानी कि जो आपका एडर है बाइंडेड डिजिट, सॉरी, इसमें जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, हाफ एडर में क्या करोगे, आप दो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसमें आपका क्या होगा, सम करने के बाद आपका कैरी जनरेट होगा और सम और कैरी दोनों जनरेट होगा, ठीक है, हाफ एडर में। तो अब इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, जब भी आप दो इनपुट लेंगे, ठीक है, जब भी आप क्या करोगे, दो इनपुट लोगे तो आपका आउटपुट जनरेट होगा, आउटपुट के साथ आपका क्या जनरेट होगा, एक कैरी भी जनरेट होगा। यानी कि अगर आपने दो इनपुट लिया है, ठीक है, दो इनपुट है आपका, क्या है, ए है और बी है, ठीक है, ए बी आपका क्या हो गया, दो इनपुट हो गया, उस केस में आपका कुछ सम आया, सम के बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, कोई ना कोई कैरी आपके जनरेट होगी। तो इसे ही हम कहते हैं हाफ एडर्स। यानी कि जब भी हम हाफ एडर्स की बात करेंगे तो हाफ एडर्स में क्या होगा, हाफ एडर्स एड टू बाइंडेड डिजिट, यानी कि क्या करेगा, दो बाइंडेड डिजिट को वो ऐड करेगा एंड प्रोडक्ट टू बाइनरी आउटपुट्स। जो उसके प्रोडक्ट करने के बाद दो आउटपुट्स आएंगे, यानी उसमें क्या आपका जनरेट होगा, सम एंड कैरी, ठीक है। तो इसको हम लोग इसके डायग्राम के थ्रू देखते हैं, टेबल के थ्रू। तो ये है आपका हाफ एडर, ये है आपका हाफ एडर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम लोग इसको टेबल के थ्रू देखते हैं तो हमने क्या किया है, यहाँ पे दो इनपुट हमने लिया है, दो इनपुट आपका क्या है, ए और बी, आपने यहाँ दो इनपुट ले लिया, एक ले लिया ए और दूसरा क्या लिया, बी, और आपको आउटपुट या आउटपुट बोल सकते हैं या फिर आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, आउटपुट यहाँ पे सम लिख देती हूँ, दोनों का आपका सम क्या आएगा और आपका कैरी क्या जनरेट होगा। क्योंकि हम हाफ एडर की बात कर रहे हैं तो हाफ एडर में क्या होता है कि सम करने के बाद जो आपका कैरी जनरेट होता है उसे हम लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करें हाफ एडर की, तो अब हाफ एडर आप कैसे लोगे, तो यहाँ पे आपकी क्या है, दो डिजिट है, ए और बी दो डिजिट है, तो हम लोग क्या लेते हैं, टू टू द पावर एन, एन के पावर आपका क्या है, टू टू द पावर टू, यानी कि ये कहाँ तक जाएगा, आपका फोर जाएगा, फोर बिट्स तक जाएगा, फोर बिट्स, यानी कि आप क्या लोगे, जीरो जीरो वन वन, फिर आपका क्या होगा, जीरो वन जीरो वन, ठीक है, हमने फोर बिट्स तक इसको ले लिया। अब इन दोनों का सम क्या होगा, अब हमने आपको पहले ही बताया था कि पिछले लेक्चर में बताया था कि बाइनरी एडिशन हम लोग कैसे करते हैं। तो बाइनरी जब आप एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जीरो जीरो जीरो, कैरी क्या होगा आपका, जीरो होगा। फिर जब आप वन जीरो लेंगे, वन जीरो के केस में आपको क्या मिलेगा, एडिशन वन मिलेगा, कैरी क्या होगा आपका, जीरो होगा। फिर आप नेक्स्ट, अब जब वन जीरो को एडिशन करेंगे, वन जीरो को जब आप एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वन मिलेगा, फिर कैरी क्या होगा आपका, जीरो होगा। फिर वन वन के केस में, अगर बाइनरी एडिशन में मैंने बताया था, वन वन के केस में आपको क्या मिलता है, एडिशन करते हैं तो वन जीरो मिलेगा और कैरी आपका क्या होगा, वन होगा। तो ये हो गया जीरो और ये हो गया वन, ठीक है। तो अब जब अगर इसे हमें एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, अगर हमें इसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना हो तभी मैं बता रही हूँ। तो अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हाफ एडर्स की जब भी आप बात करोगे तो उसमें आपका क्या होगा कि आपके दो इनपुट्स लगे होंगे और वो क्या करेगा, सम के साथ वो आपका कैरी भी जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका हाफ एडर, और हाफ एडर निकालने का तरीका, ये जो टेबल बनाने का तरीका वो मैंने आपको बता दिया है। अगर एग्जाम में ऐसे ही आपसे फुल एडर्स के बारे में बोले तो फुल एडर में आप क्या करोगे, थ्री बिट्स होगा, तो थ्री बिट्स लेंगे, यहाँ आपका थ्री होगा तो उसमें आपका क्या होगा, एट बिट्स होंगे। तो पहले हम टू एडर्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हाफ एडर्स की। तो ये आपको क्या मिल गया, हाफ एडर। तो अगर आपको इसको रिप्रेजेंट करना हो एक्सप्रेशन के फॉर्म में तो आप कैसे करेंगे,
अगर इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको पुट करना हो तो आप इसको कैसे करेंगे? एक्सप्रेशन के फॉर्म में आपको पुट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, सम के केस में चेक करेंगे वन आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो वन आपको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे जीरो वन वन मिला, 101, यानी कि आपका सबसे पहले ये इस वन को लेते हैं, सबसे पहले ये वाला वन लेते हैं। तो उस वन का एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम लोग जब भी लॉजिकल पढ़ते हैं, लॉजिकल डिज़ाइन की बात करें डीएलडी की, तो उसमें आपका क्या होता है कि जो जीरो होता है, जीरो को आप हमेशा किससे डिनोट करेंगे, बार से। यानी कि अगर आपके वैल्यू जीरो है, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका जीरो शो कर रहा है, जीरो जीरो को आप क्या शो करेंगे, हमेशा बार से शो करेंगे। और जो वन है आपका, वन हमेशा जो आपकी वैल्यू होगी आप उसको कॉन्स्टेंटली लिख देंगे। यानी कि अगर आपने जीरो लिया है, जीरो है तो ए अगर वैल्यू है तो क्या होगा, वो ए बार हो जाएगा, और वन है तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो अब हम लोग ऐसे ही एक्सप्रेशन लिखते हैं, एक्सप्रेशन लिखे, तो अगर आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो एक्सप्रेशन के केस में आपने क्या लिया, वन, वन लिया, वन में हम लोग देखें एक जीरो है तो जीरो क्या कंटेन करेगा, ए बार, ए बार। सम के केस में सम का अगर एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, ए बार, ए बार, और वन आपका क्या है, वन क्या कंटेन करेगा, बी को, यानी कि ए बार बी, ठीक है। और फिर अगर फिर दूसरा लेते हैं, दूसरा आपका फिर वन है, तब इसमें क्या होगा, आपका क्या कंटेन करेगा, ए बार बी प्लस दूसरा क्या है आपका वन, यानी वन आपका क्या कंटेन करेगा, ए, और फिर जीरो क्या कंटेन करेगा, ये बी बार, यानी कि आपका क्या होगा, एक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है, ये आपका एक एक्सप्रेशन बन गया। फिर ऐसे अगर आप कैरी का बनाना चाहते हैं लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो कैरी के केस में आप चेक करेंगे वन किसके पास है, कैरी के लिए। तो कैरी के केस की बात करें तो इसमें देखिए आपका वन क्या है, ए, और बी में भी आपका क्या है, वन, तो यानी कि आपका ये क्या होगा, ए बी, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाफ एडर। हाफ एडर के बाद हम लोग फुल एडर की बात करते हैं। फुल एडर में हम लोग देखते हैं होता क्या है, फुल एडर, फुल एडर की डेफिनेशन क्या है, व्हेन थ्री बिट्स नीड टू बी adding more than two digits adding. Added
एडल सर्किट। अभी तक हमने हाफ एडर देखा था, हाफ एडर के बाद आता है आपका फुल एडर। फुल एडर्स की डेफिनेशन देखें तो व्हेन थ्री बिट्स नीडेड टू बी एडेड वी यूज ए फुल एडर सर्किट। द ब्रैकेट में है आपका द थर्ड बिट इज द प्रीवियस कैरी बिट। ठीक है, तो जब हम फुल एडर की बात करते हैं तो फुल एडर्स में हम लोग क्या करते हैं, थ्री बिट्स लेते हैं। ठीक है, थ्री डिजिट तक आप क्या करोगे, थ्री डिजिट तक लेंगे, उसमें आपके कितने बिट्स होंगे, एट बिट्स हो जाएंगे। थ्री बिट्स तक आप लोगे उसमें वो क्या कंटेन करेगा, 8 बिट्स तक कंटेन करेगा। और इसमें आपका जब आप सम करोगे, सम करने के बाद क्या करेगा, ये कैरी आपका प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है फुल एडर्स। तो फुल एडर्स में अगर हम देखें तो जब इसका जो एक कैरी होता है, जो कैरी है वो क्या होता है, प्रीवियस वाले पे डिपेंडेंट होता है। यानी कि अगर आपने कोई भी एडिशन लिया है, ठीक है, तो जब वो जब आप एडिशन करते हो, जैसे कि 1101 लिया आपने, तो 0101 लिया, तो अब क्या करोगे, 1 आपको 0 मिला, तो जो इसका कैरी जनरेट हो वो क्या हो रहा है, नेक्स्ट वाले पे हो रहा है। तो ये कैरी आपका क्या कंटेन कर रहा है, नेक्स्ट वाले पे। यानी कि जो 1 वाला जो कैरी है आपका, प्रीवियस वाले स्टेप पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। यानी कि प्रीवियस वाले का ये क्या है, कैरी जनरेट हो रहा है। तो यही आपका फुल एडर्स। तो फुल एडर्स में हम लोग देखते हैं, अब फुल एडर में हम लोग क्या कर रहे थे, थ्री बिट्स ले रहे थे। ठीक है, थ्री बिट्स देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे ए बी सी और आपका जो सम आएगा और जो आपकी कैरी जनरेट होगी। ठीक है, सम और कैरी, क्या आपका सम होगा और कैरी क्या जनरेट करेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं, बात करते हैं तो फुल एड्रेस। तो फुल एड्रेस में आपकी कितने यहाँ पे डिजिट है, ए बी सी, यानी कि थ्री डिजिट है। तो थ्री डिजिट के लिए आप क्या करोगे, 2 के पावर n मैंने बताया था होता है, तो 2 के पावर आप 3 लिखोगे तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। आपको आउटपुट क्या मिलेगा, 8, यानी कि 8 बिट्स तक आपका जाएगा। तो 8 बिट लिखने का जो तरीका होता है, आप उसको कैसे लिखेंगे, 4 टाइम्स 0 4 1 1 1 1, यानी कि 4 टाइम्स आप क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 टाइम्स 0 0 0 1 1 जीरो जीरो वन वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या, फिर जीरो हो जाएगा, फिर वन होगा, फिर जीरो होगा, फिर ये वन होगा, फिर ये जीरो होगा, फिर ये वन होगा, फिर ये जीरो होगा, फिर ये वन होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, थ्री डिजिट लिया, तो आपको 8 बिट्स तक लेना था। तो 8 बिट्स लिखने के लिए आप स्टार्टिंग में 40 लिखेंगे, फिर 41 लिखेंगे, फिर 20 11 00 फिर 11 करेंगे। ठीक है, फिर सी के लिए आप 01 लेंगे, 01 01 01। ठीक है, आप इतनी सारी वैल्यूज ले लिए। अब क्या करना है, आपको सम निकालना है। आपको क्या करना है फुल एडर में, अब सम निकालना है। सम कैसे निकालेंगे, जीरो बाइनरी एडिशन के थ्रू हम लोग सम निकालेंगे। जीरो जीरो आपको क्या होगा, जीरो प्लस जीरो, जीरो आपको जीरो मिल गया, कैरी क्या जनरेट हो रहा है, जीरो। ठीक है, फिर आप ऐसे क्या करेंगे, जीरो और प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो आप करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो। तो जीरो प्लस वन आप करेंगे तो क्या मिलेगा, वन, और कैरी क्या जनरेट होगा, जीरो। फिर नेक्स्ट है आपका जीरो प्लस वन, तो जीरो प्लस वन आप करेंगे तो क्या मिलेगा, वन। वन प्लस जीरो आप करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, वन। तो इस कंडीशन में कैरी क्या जनरेट होगा, जीरो। फिर ऐसे ही आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे जीरो प्लस वन, जीरो प्लस वन आप करेंगे तो वन मिलेगा। ठीक है, तो कैरी क्या हो गया आपका, यहाँ पे वन हो गया, और जीरो प्लस वन आप करेंगे तो वन
आपकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए 0 + 1 आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, तो 1 मिला, फिर 1 + 1 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0, और कैरी क्या हो गया आपका, 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप ले लीजिए 1 + 0 करेंगे, 1 + 0 आप करोगे तो क्या मिलेगा, 1, 1 + 0 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1, और कैरी क्या होगा आपका, 0। फिर ऐसे आप करो, ऐड करो 1 + 0 क्या मिलेगा, 1, तो फिर 1 और 1 क्या होगा आपको, कैरी मिलेगा 0 और सॉरी सम मिलेगा 0 और कैरी क्या मिलेगा, 1। फिर ऐसे ही आप क्या करेंगे, 1 + 1, 1 + 1 आप करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, 0 मिलेगा, 1 1, ये 1 और ये 1 प्लस कीजिए क्या मिलेगा आपको, 1 + 1 0, कैरी कहाँ जाएगा आपका, 1, ठीक है। फिर आपका 0 + 0 आप करेंगे तो आपको 0 मिलेगा, फिर आपका 1 + 1, तो 1 + 1 आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 0, और कैरी आपका क्या होगा, 1 होगा, और 0 + 1 आपका 1 होगा, 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। तो ये आपका क्या है, फुल एडर। तो फुल एडर में आप क्या करते हैं, 8 बिट्स तक आप लेते हैं, तो 8 बिट्स तक आप, अब अगर एग्जाम में पूछता है हाफ एडर फुल एडर के बारे में, तो आप ऐसे इस टेबल को बना के आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और ये टेबल को बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, बहुत इजी वे में आप इसको बना सकते हैं, बस आपको एडिशन पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं बाइनरी में, बाकी चीज़ें आप कर लेंगे, ठीक है। फिर अब इसमें हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है। तो अब जब फुल एडर की बात करते हैं, तो फुल एडर में आप एक्सप्रेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आप एक बार सम का लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, तो सम में जहाँ जहाँ आपके वन होंगे उसका आप एक बार एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फिर जहाँ आपका कैरी में प्रेजेंट है वन आप उसका एक बार एक्सप्रेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कैरी का लेते हैं, कैरी का एक्सप्रेशन निकालते हैं सबसे पहले। तो जब आप कैरी का एक्सप्रेशन निकालोगे, कैरी का आप एक्सप्रेशन निकालिए, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप यहां से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, वन आपका कहां प्रेजेंट है, यहां है, तो वन आपका ए क्या कंटेन कर रहा है, ए बार बी सी प्लस, अब कहां है वन आपका, प्लस तो अब ये देखते हैं कि अब इस एक्सप्रेशन को हम लोग इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करें। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग को के मैप की जरूरत पड़ती है। के मैप का मतलब होता है कार्नाफ मैप, उसको बोलते हैं। तो उसमें आपके वो कितने बिट्स को कंटेन करेगा, 8 ब्लॉक कंटेन करता है, के मैप। इसमें आपका क्या कंटेन करेगा, यहाँ ए और ये बी और ये सी, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। फिर यहाँ पे आपका कंटेन करेगा 0 0 0 1 1 1 1 0, फिर ये आपका 0 और ये 1, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 देखेंगे कि आपका कैरी में कहाँ कहाँ जनरेट हो रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन लिखने के लिए, एक्सप्रेशन आपको बनाने के लिए कैरी में आप देखोगे कि कहाँ कहाँ आपका 1 कंटेन कर रहा है, तो 1 यहाँ इस स्टेप पे कंटेन कर रहा है, तो ये 1 है, तो 1 में आप ए पे क्या करोगे, ए पे जाइए, ए पे आपका क्या कंटेन कर रहा है, 0 कर रहा है, तो 0 आप लेंगे नहीं, तो 1 आपका कहाँ कर रहा है, बी पे कर रहा है, तो बी में आप जाइए, बी में आपका कंटेन करेगा 1, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1,
तो ये आपका दो ओवरलैप करेगा, ये सिंगल होगा, ये सिंगल होगा, ये कंटेन करेगा आपका एक्सप्रेशन ए बी बार सी, और ये करेगा आपका ए बी, और ये कंटेन करेगा ए बार बी और सी, यानी कि जो आपका एक्सप्रेशन होगा, जो आपका एक्सप्रेशन होगा वो आपका होगा ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी, फिर आप सी को कॉमन कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको ए बी बार प्लस ए बार बी, ठीक है, प्लस ए बी। तो आप इसको, इन दोनों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए एक्सोर बी प्लस ए बी, ठीक है। तो ये जो आपके वैल्यू है, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया। तो जो आप कार्नोफ मैप बनाते हो, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के मैप। तो के मैप जब भी आप बनाते हो तो थ्री डिजिट होते हैं, तो एक यहाँ होगा और दो आपके इधर होते हैं, तो ए और ये बी सी। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है हमेशा, आप इसको 01 से डिनोट करेंगे, फिर ऊपर वाला 00, 01, 11 और 10 से। तो मैंने आपको बताया था कि जो 00 वो क्या कंटेन करता है, बार को कंटेन करता है। तो अब चेक करेंगे कि 1 आपका कहाँ से, 1 जो है वो किस नंबर पे है। तो 1 आपका क्या है, कंटेन कर रहा है बी और सी। तो यानी कि बी और सी, बी और सी में हम लोग को क्या करना है, 1 1, तो 1 1 है, तो यानी कि बी और सी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, फिर नेक्स्ट चेक करेंगे 1। तो अब 1 आपका कहाँ है, ए पे है, ए पे वह क्या है आपका, 1 है। तो ए पे आप क्या करोगे, 1, तो आपका यहाँ पे लिख दोगे ए पे 1, और ए पे 1 हो गया आपका, और क्या कितने कर रहा है, 01, 0 और 1। तो 01 यहाँ पे है और आपका ए यहाँ है, तो आप इसको 1 यहाँ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए ए की वैल्यू आपके कहाँ है, 1 आपने कर दिया, ए की वैल्यू को आपने यहाँ पे, ए की वैल्यू को आपने क्या कर दिया, 1 कर दिया। फिर इसके बाद क्या है, 01, यानी कि बी सी, बी सी में 01 देखेंगे, तो 01 कहाँ है आपका, यहाँ। तो इस वाले रो में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर ऐसे ही आप नेक्स्ट चेक कीजिए, नेक्स्ट वाला आप क्या है, 1, नेक्स्ट 1 है, इसमें आपका ए क्या कंटेन कर रहा है, 1 कंटेन कर रहा है ए। और किस रो में है, बी और सी, बी और सी यानी कि 10 में, 10 10, ये आपका हो गया 10, इसमें आपको क्या करना है, 1 को पुट करना है, ठीक है, 1 हो गया आपका। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, एक लास्ट फिर ये देखेंगे, 1 में आप क्या कंटेन कर रहा है, 1, ए ए आपका 1 कंटेन कर रहा है, यानी कि 1, और किस रो में, बी और सी, बी और सी यानी कि इस वाले रो में आपका 1 होगा। तो ऐसे हम लोग पुट करने के बाद हम लोग पेयरिंग करते हैं, तो जो आस पास हो उनका ही पेयर होता है। तो ये आपका एक पेयर हो गया और ये दोनों अलग अलग है, ये सिंगल पेयर होगा, ये सिंगल पेयर होगा। तो इसको लिखने का तरीका है आपका, तो जहाँ पे इसको आप लिखोगे, तो ये आपका ए हो गया ए और बी बार सी, यानी कि ये आपका 0 क्या कंटेन कर रहा है, बी बार को, और ये आपका सी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर ऐसे आप क्या करेगा, ए बार बी सी। तो अब ए बार आपका कैसे हुआ, यहाँ पे ये किस रो में है, 0 है, ए के किस रो में है, 0 में, यानी कि ए बार हो गया। और अब ये क्या कंटेन कर रहा है, बी और सी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आपको 1 1 है तो वो बार कंटेन नहीं करता है, और सेम वैल्यू होगी, जहाँ 0 होगा वहाँ पे हम लोग बार कंटेन करेंगे। फिर अब ये लास्ट जो है आपका 1 1 1 1 के केस में हम लोग देखें, तो 1 1 के केस में आपका क्या है, 1 किस पे कंटेन कर रहा है आपका, ए पे है, ए आपने फिर ये कौन सी वैल्यू को ले रहा है, पेयर करने के बाद इन दोनों में हम लोग कॉमन देखते हैं। तो इसमें आपका कॉमन क्या है, बी बी, और आप यहाँ से क्या लोगे, ए, तो ये आपको मिल गया ए बी। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो एक्सप्रेशन होता है आपका, ये फुल एडर का एक्सप्रेशन होता है, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं, लुक अहेड कैरी हम लोग में हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है लुक अहेड कैरी में, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को यूज करने के लिए हमें मतलब इस एक्सप्रेशन को हम लोग को यूज करने के लिए हमें फुल एडर एंड हाफ एडर का रीडिंग दिया है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि फुल एडर कैसे निकालते हैं, हाफ एडर कैसे निकालते हैं,
और ये जो है आपकी वैल्यू जो निकली है वो क्या है, वो एक्स एक्सप्रेशन शो कर रहा है, ठीक है। ये आपका एक एक्सप्रेशन हो गया निकालने का। तो यही एक्सप्रेशन हम लोग क्या करेंगे, लुक अहेड कैरी में हम लोग इसको यूज करेंगे, ठीक है, जो आपका मेन टॉपिक है। आज हमने फुल एडर और हाफ एडर के बारे में देखा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लुक अहेड कैरी ओवर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, लॉजिकल क्वेश्चंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।